आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय सेसी गर्ल। ये 2001 की एक रोमांटिक कोरियन मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है और इसकी वजह से यह बहुत ही अच्छी मूवी है। किसी भी रोमांटिक मूवी को आप जब देखते हो तो क्लीशे से भरी हुई होती है, पर आपको इस मूवी को देखकर वैसा लगेगा पर वैसा उतना भी नहीं लगेगा। एक सेंट ऑफ फ्रेशनेस इस मूवी में हमको दिखेगा और ये एक मूवी बहुत अच्छे से फन से भरी हुई है। तो चले आज मैं आपको ये मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस मूवी में जो पेबैक मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है। ये जो 2 आवर्स की मूवी है, ये देखने के बाद आपको कभी भी बोर नहीं होगा और एंडिंग भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी जब स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक हिल पर बैठा हुआ होता है। हमारे कैरेक्टर का नाम है युनवू। ये फिर हमसे बात करता रहता है पूरी मूवी में, है हमसे बात करेगा और जो उसके मन में चल रहा है वो हमें बताता रहेगा। वो फिर हमसे कहता है कि आज हम दोनों यहाँ मिलने वाले थे, 2 साल पहले हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था और यहाँ हम हमारी जो टाइम कैप्सूल है वो डिग इन करने वाले थे। वो एक दूसरे से लेटर पढ़ने वाले होते हैं, पर आज वो लड़की, उसका जो प्यार है वो यहाँ नहीं आती। वो फिर हमें कहता है कि मैं उसके लिए रुकूंगा, मैं उसका वेट करूंगा। ये जो सीन था ये फ्यूचर का सीन था। ये हमें फिर से 2 ईयर्स बैक में लेकर जाते हैं। ये जो हमारा मूवी का कैरेक्टर है ये बहुत ही फनी कैरेक्टर है। वो फोटो खिंचवा रहा होता है और उसकी एंड का उसे कॉल आता है। वो उसे बोल रही होती कि आज तुम्हें मुझसे मिलने आना है, पर उसे वो टाल देता है। वो फिर हमसे कहता है कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे। मैं जब 6 साल का था तब तक मुझे बच्चे की तरह ही वो ड्रेसअप करते थे, पर जैसे मैं बड़ा होता गया तब मुझे मेरी सब चीज़ें समझ में आने लगी। यानी कि उसके जंग के बारे में बात कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे में हमें एक बार में वो हैंगआउट करता हुआ दिखता है। उसे फिर से अपनी मदर को कॉल आता है। उसकी मदर उसे बोल रही होती है कि तुम्हारे एंड से मिलने तुम्हें जाना है, पर वो अभी भी इसको टाल रहा होता है। इस सिटी में उसे भेजा होता है क्योंकि वो उसकी एंड से मिल सके, पर अभी भी वो उसे इग्नोर ही कर रहा होता है। जब वो बार में होता है तब एक लड़की को देखता है। फिर हमसे कहता है कि जो लड़की है ये मेरी टाइप की है। तो फिर उसे परस्यूट करने के लिए वो वहां से निकल जाता है। उसे भी से जाते जाते वो ट्रेन स्टेशन पर आ जाता है। जब वो देखता है तो स्टेशन पे वो खड़ी हुई होती है और वहां से ट्रेन आ रही होती है। वो ट्रेन से टकरा ना जाए इसलिए वो उसे बचाता है और पीछे खींच लेता है। जब वो देखता है तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है। जब वो इसके पीछे ट्रेन में घुस जाता है तो हम फिर से वो कहता है ये तो मेरे टाइप की है ही, पर अब ये जो ड्रंक है तो मुझे ये नहीं चाहिए। जो उसके प्रति उसका जब अट्रैक्शन होता है वो वहां से चला जाता है। ये जो लड़की होती है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड झल्ली टाइप की लड़की होती है। ट्रेन में एक लड़का बैठा हुआ होता है और वहां एक सीनियर सिटीजन आता है। सीनियर सिटीजन को सीट देनी चाहिए इसलिए उस लड़के को भी उठा देती है। वो ड्रंकी होती है इसलिए वो लड़का उसके मुंह नहीं पड़ता, वहां से वो चला जाता है। जो सीनियर सिटीजन होता है वो उस लड़के की सीट में बैठा हुआ होता है, तो इस सीट के पीछे ही वो खड़ी हुई होती है। वो बहुत ही ड्रंक होती है तो उसे उल्टी आने लग जाती है। ये उनको ये देखकर बहुत ही घटिया लगता है। फिर जब उस लड़की को उल्टी आती है तो उस ओल्ड मैन पे ही वो कर देती है। वो बहुत ही फनी सीन हमें दिखाया गया है, पर अब जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही चिढ़ जाता है। ये लड़की बहुत ही ड्रंक है तो इसे वो कुछ भी नहीं कर सकता, पर उस ओल्ड मैन देखा होता है कि यून उसका फ्रेंड है, उसे उसने बचाया था, तो अब यून को ही वो सब साफ करने के लिए बोलता है। यून को ये करने में इंटरेस्ट नहीं होता और वो कुछ कर भी नहीं सकता इसलिए उसे साफ करना पड़ता है। उस लड़की के लिए यून केयर करता है, उसे वो ऐसे ड्रंक नहीं छोड़ सकता, तो पूरी सिटी में उसको अपने कंधे में लेकर वो चलता है। फिर वो उसे एक मोटेल में लेकर आता है, अपने कंधे पर वो लेकर आता है। मोटेल का मैनेजर होता है, उसे कहता है कि हम दोनों एंगेज हो चुके हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम ना आए। जब वो अंदर आता है तो उसके ऊपर सब उल्टी वगैरह होती है तो वो नहाने लग जाता है। इस लड़की के मोबाइल पर कॉल आता है, उसे पूछा जाता है कि वो कहाँ है, तो ये उसका पता दे देता है। पर वही उस मॉडल पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। इस पुलिस की रेड जब पड़ती है तब हमने देखा था कि यून नहा ही रहा था तो इसलिए उसने कपड़े भी नहीं पहने। इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरी रात वो पुलिस स्टेशन में रहता है। जब वो नेक्स्ट दिन घर आता है तब उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम कहाँ थे। यून कहता है कि मैं तो सिटी में था, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपने एंड से मिलने जाना था, तुम उससे मिलने नहीं गए हो। और फिर उस पर वो चिढ़ जाती है और उसे मारने लग जाती है। यून फिर कहता है कि तुम कहाँ थे, मैंने तो सच बता दिया था। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि यून पढ़ा हुआ होता है और फिर हमसे कहता है कि मैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं कभी भी पढ़ाई नहीं करता क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि तुम हम पर पढ़े हो, तुम्हें ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यून हमें कहता है कि बच्चों को कभी मत बताओ कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मेरी तरह उनका हाल हो जाता है। यानी कि यून बहुत ही ब्रिलियंट होता है पर वो स्टडी नहीं करता, फिर भी वो पास हो जाता है। उसके नंबर इतने अच्छे नहीं आते पर फिर भी वो पास तो हो ही जाता है। फिर हमें दिखता है कि यून को उस लड़की को कॉल आता है, उसे पूछती है कि क्या तुम वही थे जिसने मुझे मॉडर्न में लेकर गए थे, तो इसलिए अब वो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है।
स्टेशन पर वो जब जाता है तो वो लड़की उसे देखती है पर प्रिटेंड करती है कि उसे पहचान नहीं रही। उसके सामने आ जाती है, यूं ही उसके इनिशियलाइजेशन करता है। वो दोनों बात करने लग जाते हैं। फिर वो लड़की उसे कहती है कि चलो हम कैफे में चलते हैं। जब वो कैफे में पहुंचते हैं यून सब अनहेल्दी ऑर्डर करता है। तो लड़की बॉसी होती है, जैसे हमने पहले ही देखा था, एक मूवी का नाम ही है सैसी गर्ल, तो सैसी होती है। तो फिर उसे कहती है कि तुम्हें क्या मरना है, कॉफी ऑर्डर करो। इस वजह से वो कॉफी ऑर्डर कर लेता है। फिर वो दोनों कॉफी बैठने के लिए बैठते हैं। फिर वो लड़की उसे कहती है कि तुमने ही मुझे कल बचाया था, तुम्हें मुझे होटल में लेकर गए और फिर पुलिस ने भी तुम्हें अरेस्ट कर लिया था। ये लड़की मन ही मन में थैंकफुल होती है पर ये जता नहीं रहती है, जैसे हमने बताया कि ये एक सैसी गर्ल है। फिर यून उसे कहता है कि तुम बहुत ही प्रिटी और लवलियर दिख रही हो। उसे कन्फर्ट करती है, या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। फिर वो उसे क्लियर कर लेती है कि मैं तुमसे डेट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये उसे कह देती है। फिर भी वो उसे बार में लेकर आती है। बार में वो जब जाती है तो वहां वो दो बड़े आदमी देखती है, उनके साथ छोटी लड़कियां होती है और वो प्रोस्टिट्यूशन उनसे करवाना चाहती है। इससे वो बहुत ही चिढ़ जाती है और उन सब लोगों को वहां से भगा देती है। यूनो में कहता है कि इसके साथ रहना बहुत ही एम्बेरसिंग है। यून फिर उसके लिए ड्रिंक पोर करता है और कहता है कि ड्रिंक पियो और शांत रहो, उसे ज्यादा कुछ बखेड़ा खड़ा नहीं करना होता, इसलिए वो इसे ड्रिंक ऑफर करता है। फिर वो लड़की ड्रिंक पीने के बाद रोने लग जाती है। यून उसे उसका रुमाल देता है। ये लड़की उसे अपना नाक पोंछ लेती है। फिर वो रुमाल अपने खीसे में रख रही होती है तो इसलिए उसे कहता है कि ये मेरा रुमाल है। फिर से वो बहुत पी लेती है और बेहोश हो जाती है। फिर यून उसे एक मोटेल में लेकर आता है। ये वही मोटेल है जो वो पहली रात लेकर आया था। जब वो सोई होती है तब यून हमें कहता है कि ये बहुत ही प्रीटी है, इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही परफेक्ट है। वो कहता है कि इसका जो सौरव है ये मुझे हील करना है। उसके प्रति उसे अट्रैक्शन आने लगता है और उससे प्यार उसे होने लगता है। जब नेक्स्ट दिन वो लड़की उठती है तो यून उसे कहता है कि मैंने तुम्हें आईडी दिखा, तुम मुझसे 1 साल छोटी हो तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देना है। पर वो लड़की इसे नहीं मानती और उसे बहुत सारी चीजें देने के लिए बोलती है। जाओ मेरा स्ट्रोप लेकर आओ, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, ये सब उसे बोल रही होती है। फिर हमें यून देखता है वो अपनी यूनिवर्सिटी में होता है, लेक्चर कर रहा होता है। यहाँ लड़की आ जाती है, इस लेक्चर में बैठ जाती है और प्रोफेसर से कहती है कि मुझे ब्रेक चाहिए। प्रोफेसर भी इस ब्रेक के लिए मान जाता है। फिर वो यून से कहती है कि चलो बाहर चलते हैं। यून कहता है कि मुझे लेक्चर करना ही पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा, तो इसलिए वो उसे मना कर रहा होता है। फिर वो वहां से उठकर बाहर चली जाती है। जब प्रोफेसर अंदर आता है तो प्रोफेसर यून से कहता है कि तुम्हारी जो प्रेजेंट है वो मैं लगा दूंगा, तुम्हें लेक्चर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी मजाक लेते हुए कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तो सब उस पर हंसने लग जाते हैं। जाते जाते वो प्रोफेसर उसे कहता है कि इसका ख्याल रखो। इसका यून को समझ में नहीं आता। जब यून बाहर आकर उस लड़की से पूछता है कि तुमने प्रोफेसर को क्या बताया, तो वो कहती है मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और हम इस बच्चे को गिराने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत ही डर जाता है और फिर वहां से वो चले जाते हैं। फिर दोनों हमें पार्क में दिखाए गए हैं। वो लड़की उसे कुछ पेपर्स देती है, इस पेपर्स में उसने स्टोरीज लिखी होती है, उसे पढ़ने के लिए बोलती है और जबरदस्ती करती है। उसे धमकी भी देती है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ी नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगी। हमेशा वो उसे यही कहती रहती है कि तुमने अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें ये नहीं किया तो मैं मार दूंगी। ये बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल हमें दिखाया गया है। यून ये फ्रस्ट्रेशन हमें दिखाता है। यून को ये स्टोरीज पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी उसे पढ़नी पड़ती है। ये जो स्टोरीज होती है ये मूवीज पर बेस्ड होती है, कुछ भी साइंस फिक्शन पर ये बेस्ड होती है और इसे पढ़ना पड़ता है। इसमें हमेशा जो हीरोइन होती है ये वह लड़की होती है। जब ये दोनों पार्क में होते हैं तब लेक के वहां ये आ जाते हैं। जब ये लड़की रोई थी तब यून को उसने बताया था कि मेरा अभी अभी कल ब्रेकअप हो चुका है, तो अब ये उसे कह रही है कि मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर वो फिर से अपना मूड चेंज कर लेती है और यून को कहती है तुम्हें क्या लगता है ये तालाब कितना डीप होगा। यून कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है और उसे वो ढकेल देती है। यून को तैरना नहीं आता तो इसलिए फिर वो उसे बचाती है। यून उससे बहुत ही डरने लग जाता है, उसे बहुत दिनों तक इग्नोर कर रहा है। वो फिर से अपने फ्रेंड के साथ बार में होता है तब उसे और एक लड़की दिखती है, उसके पीछे वो लगने वाला होता है। पर वो जब उसे पास जाकर देखता है तो ये वही लड़की होती है। वो उससे डर कर भागता है, उसे उसके कोई भी लेना देना नहीं चाहिए होता। फिर ये लड़की उसे कॉल करती है पर इस कॉल को भी वो इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखता है कि यून ने अब उसका माइंड चेंज कर लिया है। वो हमें कहता है कि अब मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ। वो भी ट्रेन पर ड्रंक होकर वही सो जाना चाहता है, यानी कि उसे लगता है कि वो लड़की आएगी उसे उठाएगी और मोटेन में लेके जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ड्रंक हो जाता है और सो जाता है पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। उसे ट्रेन स्टेशन पे ही सोना पड़ता है। उसके पास पैसे नहीं होते तो किसी को लगता है ये एक होमलेस गाय होगा, तो इसे वो चिल्लर दे देते हैं। फिर इस चिल्लर से वो कॉल करता है और उस लड़की को वहां बुलाता है। पर थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है, पुलिस उसे लॉकर में लॉक कर देती है। फिर वो लड़की उसे लेने के लिए आती है और उसे खाना वगैरह देती है। फिर नेक्स्ट दिन यून हमें दिखता है कि वो घर में घुस रहा होता है।
वो बहुत ही चालाकी से घुस रहा होता है, यानी कि उसके मदर को पता ना चले। वो हमें कहता है कि मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उसने मुझे फिर से देख लिया तो कुछ भी उसके हाथ में हो उसे मुझे मारेगी। और उसकी मदर के हाथ में हमें रोलर दिखता है, ये बहुत ही ज्यादा हेवी होता है जिससे वो उसे बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड हो सकती है, तो इसलिए वो बहुत ही बचकर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यून अपने रूम में होता है, उसके फादर भी वहां होते हैं, तो उसके फादर फटाक से उसका डोर ओपन कर लेते हैं। उसके फादर उसे बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम पॉर्न वगैरह देख रहे होगे, और एग्जैक्टली अपने कंप्यूटर में यून यही कर रहा होता है, पर उसने विंडो चेंज कर ली होती इसलिए उसके फादर को लगता है कि वो ये नहीं कर रहा, और ऑफकोर्स वो यही कर रहा होता है। फिर यून हमें कहता है कि उस लड़की का कल बर्थडे है, उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना वो मुझे मार देगी। यून को फिर आइडिया आता है कि वो थीम पार्क में काम करता था, वहां रात में उसे लेकर जाएगा, लाइटनिंग वगैरह लगाएगा, सॉन्ग लगेगा, फायर क्रैकर्स लगेगा, इसे उसे इंप्रेस कर देगा। जब वो रात में जाते हैं तो उस पार्क में उन्हें सिंगिंग करना पड़ता है। जब उस पार्क में पहुंच जाते हैं वहां एक सोल्जर छुपा होता है, वो सोल्जर इन दोनों पर गन लगाता है। ये जो सोल्जर होता है वो भाग कर आया हुआ होता है। इस सोल्जर को ढूंढने के लिए बहुत सारी आर्मी भी वहां आ जाती है। ये सोल्जर भी इनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो यून उसे कहता है कि ऐसे ही हम पार्क देखने के लिए आए हैं, उसे उस पर बिलीव नहीं होता। फिर वो सोल्जर अपनी कहानी बताता है, मैं जब ड्यूटी पर था मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ लफड़ा कर लिया, इसलिए उसे पनिश करने के लिए वो जिस आदमी के साथ उसने लफड़ा किया होता है उसे मारना चाहता है, पर वो कर नहीं पाता, तो इसलिए अब वो खुद खुशी करने वाला होता है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम अपने आप को क्यों मार देना चाहते हो, वो उसे कहता है कि मेरे गम में वो डूब जाएगी, पर वो लड़की उसे कहती है कि तुम अगर मर भी गए तो फिर भी वो तुमसे मूव ऑन कर जाएगी, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो फिर रोने लग जाता है। फिर वो उसे कहती है कि तुम हमें जाने देने वाले हो, तुम कुछ भी नहीं करोगे। फिर यून भी उसे कहता है कि मुझे जाने दो, इसे अगर तुम ये रखना चाहते हो तुम यहाँ रख सकते हो। यून भी ये मजाक कर रहा होता है, तो फिर ये सोल्जर का मन पलट जाता है, वो उस लड़की को जाने देता है और यून को कैदी बना लेता है। फिर यून उसे कहता है कि मैं यहाँ काम करता था, मुझे यहाँ की एग्जिस्ट पता है, तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। फिर ये दोनों जब बाहर निकलते हैं तब सब सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। वो सोल्जर यून को मारने वाला होता है, पर वो लड़की फिर वहां आती है। वो उस सोल्जर को कहती है कि तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुमने उससे सच में प्यार किया था, अगर तुम उससे प्यार करते तो तुम उसे जाने देते, वो खुश है, इसी में तुम अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेते। वो उसे कन्विंस कर लेती है, उसे कहती है कि तुम्हें जीना है, तुम जियोगे और फिर से लव क्या होता है ये एक्सपीरियंस करोगे। फिर ये सोल्जर रोने लग जाता है और यून बच जाता है। फिर वो लड़की यून को मारती है और बोलती है कि ये क्या था, मुझे छोड़ दो और इसको पकड़ लो। फिर नेक्स्ट दिन ये दोनों कैफे में हमें दिखाए गए हैं। यून ऑर्डर करता है, उसे कोक चाहिए होता है, पर ये लड़की फिर से उसे कहती है ये मरना है, कॉफी लो। फिर वो कॉफी ऑर्डर करते हैं। यून ये सब देख कर हंसने लग जाता है। अब उसे इस लड़की की आदत पड़ने लग जाती है, वो जो भी करने वाली होती है उसे पहले ही पता होता है। उसे फिर से वो एक स्क्रिप्ट देती है और उसे स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। यून हमें कहता है कि इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा घटिया ही होती है, इसमें कुछ सेंस नहीं होता, होती है फिर भी लोग छाता पहन कर ही जाते हैं, तो ये जरा इलॉजिकल है, फिर भी उसे ये पढ़ना पड़ता है। फिर वो लड़की उसे कहती है ये जो बुक एडिटर होता है उसके पास जाकर मुझे मेरी ये स्क्रिप्ट देकर आओ। यून भी ये स्क्रिप्ट उसे देकर आता है। जब ये दोनों ट्रेन में होते हैं अब इनकी अच्छी से फ्रेंडशिप हो चुकी है, तो एक गेम खेल रहे होते हैं। उन्होंने एक लाइन वहां ट्रेन पे ड्रॉ की होती है, कोई भी पैसेंजर जिस पैर से क्रॉस करेगा उस पैर जो आदमी को असाइन किया होगा वो आदमी दूसरे को मारेगा। यानी कि यून ने अगर लेफ्ट लेग चूज किया होगा और किसी ने लेफ्ट लेग से क्रॉस किया तो उस लड़की को मार सकता है, और इस लड़की ने अगर राइट चूज किया है तो अगर किसी आदमी ने राइट से क्रॉस किया तो ये लड़की यून को मारेगी। ऐसा ही गेम खेलते हैं, बहुत सारे सोर्सेस आ जाते हैं और इसमें वो लड़की जीत जाती है। यून को बहुत मारती है और लोग ये सब देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो लड़की सब करती है यून को वही करना पड़ता है। वो स्क्वाश खेलती है तो यून को भी यही खेलना पड़ता है, जो बॉल होता है वो हमेशा उसके सर पर ही लगता है। वो फिर उसे कराटे की क्लास में भी लेकर जाती है, वहां भी उसे वो मारती है। एक दिन जब यून अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तब ये लड़की उसके वेट कर रही होती है। उसे यून के साथ हैंग आउट करना बहुत ही अच्छा लगता है। इस दिन उस लड़की ने हील्स पहनी हुई होती है, तो यून को बोलती है मुझे बहुत ही हर्ट कर रही है। उसे कह रही होती है कि क्यों ना हम एक्सचेंज कर ले, यून ने बूट पहने होते हैं तो उसे अब बूट पहनने होते हैं। यून उसे मना करता है, पर वो चीट कर वो जा रही होती है तो यून भी मान लेता है। यून को पूरी यूनिवर्सिटी में हील पहनकर चलना पड़ता है, सब उस पर हंसते हैं पर भी वो करता है। लड़की उसे उसके पीछे भी लोड़ दौड़ने के लिए बोलती है, ये भी वो करता है। जब रात होती है तो बारिश होने लग जाती है, ये लड़की फिर उसके घर तक उसे लेकर आती है। वो उसे अपने घर में बुलाती है पर यून नहीं मानता। ये जब लड़की चली जाती है तो उसका बैग यून के पास ही रह जाता है, तो इसके लिए बैग देने के लिए फिर से वापस जाता है। इस लड़की के जो फादर थे उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे बेटी के बॉयफ्रेंड हो,
वो कहता है कि नहीं, अब तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसके फादर यून को कहते हैं कि अगली बार तुम घूमोगे तब इतना लेट नहीं होना चाहिए। जब यून बाहर आता है तो मुझे कुछ सुनाई देता है। उस लड़के के फादर उसे डांट रहे होते हैं और यून से उसे नहीं मिलना है, ऐसा उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। यून फिर हमें कहता है कि बहुत दिनों तक उसका कॉल ही मुझे नहीं आया, और एक दिन अचानक से उसका कॉल आया और उसने मुझसे ऐसी बात की कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है। इस कॉल पर वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें कब एक लड़की बहुत प्रीटी लगती है। उसे मजाक करता है और कहता है कि जब वो नेकेड हो। फिर उसे सीरियस होने के लिए बोलती है तो वो कहता है कि जब वो पियानो बजाती है। वो भी उसे कहती है कि जब एक लड़का मेरे क्लासरूम में मुझे फूल देने के लिए आता है तो मुझे बहुत ही प्रीटी लगता है। आज उनकी जो रिलेशनशिप होती है उसका 100 डे होता है, तो इसी वजह से उसके लिए अब उसे फूल लेकर जाना होता है। यून उस लड़की की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, वो एक डिलीवरी मैन है ऐसा ढोंग करता है और वहां आ जाता है। वो लड़की भी पियानो बजा रही होती है, उसके लिए वो सब करती है और उसे स्टेज पर जाकर वो फूल दे देता है। यून को उस लड़की ने हाई स्कूल के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो पहनकर आने के लिए बोला होता है। ये फिर दोनों एक क्लब में जाते हैं और वहाँ बहुत मजे करते हैं। यून फिर हमें कहता है कि जब हम उस बार में गए थे उसके बाद हमेशा उनके यहाँ कॉस्ट्यूम पार्टी होती है और कॉस्ट्यूम की थीम होती है हाई स्कूल ड्रेसेस। फिर ये दोनों टैक्सी में होते हैं तो यून हमें कहता है कि अब ये सो रही है पर ये सोरोफुल मुझे नहीं लग रही, इसका सोरो अब कम हो रहा है। जब मैंने पहली बार इसे देखा था ये बहुत ही दुखी थी, शायद उसे यून की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे यून को लग रहा होता है। जब यून उस लड़की को घर छोड़ने आता है तो उसके फादर उसे बैठाते हैं, उसे अपने पॉकेट खाली करने के लिए बोलते हैं। उस पॉकेट में उसे कॉन्डोम मिल जाता है, इसलिए अब वो उसे स्टिक करते हैं और कहती है कि अभी कभी तुम्हें मेरी लड़की से नहीं मिलना है। अब बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और लड़की उसे कॉन्टेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट दिन में दिखता है कि अब बहुत सारे दिन गुजर गए हैं तो एक दूसरी लड़की के पास वो आया हुआ होता है, उसके साथ उसकी डेट होती है। इस डेट पर वो होता है तब हमें हमारी जो हीरोइन होती है उसका कॉल यून को फिर से वापस आ जाता है। वो उसे बुला रही होती है, उसे कहती है कि मैं एक डेट पर हूँ तुम्हें यहाँ आना चाहिए। यून पहले उसे मना कर देता है पर जिस डेट पर होता है फिर उसे पता चलता है कि जो लड़की है वो लड़की है ही नहीं, वो एक लड़का है। तो फिर वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर हीरोइन के पास वो आ जाता है और वहाँ उस डेट पर आकर बैठ जाता है। फिर ये लड़की वॉशरूम जाती है, एक आदमी के साथ वो डेट पर आई हुई होती है। यून फिर उस आदमी को टिप्स देता है, अगर तुम्हें इससे अच्छी रिलेशनशिप चाहिए तो तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। वे लड़की वॉशरूम से आती है तो यून वहां से चला गया होता है। फिर जिस आदमी के साथ वो आई हुई होती है वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड था उसने मुझे कुछ रूल्स दिए हैं, ये रूल्स मैं तुम्हें कहकर बताऊंगा। इस रूल्स में वो कहता है कि इसे ज्यादा ड्रिंक मत करने देना नहीं तो किसी ना किसी को वो मारी देगी। हमेशा तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम कॉफी पीना। जब तुम्हारा 100th डे होगा उसका जब सेलिब्रेशन करना होगा तो इसके लिए फूल लेकर जाना, उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। जब वो तुम्हें मारती है तो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना। जब तुम्हें दर्द होने लग जाए तो दिखाना मत कि तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा है। अगर उसके पैर दर्द होने लग जाए तो इसके शूज एक्सचेंज कर लेना। उसे राइटिंग बहुत ही पसंद है तो हमेशा इसे इनकरेज करना। ये सब जब ये लड़की सुनती है तो वो रोने लग जाती है। वो भागते भागते यून का पीछा करने लग जाती है। यून उसे कहीं भी नहीं दिखता तो एक स्टेशन पर आ जाती है। स्टेशन पर उसे कहीं भी मिल नहीं रहा होता तो सिक्योरिटी ऑफिस में वो घुस जाती है। वहां घुसकर यून के लिए वो अनाउंसमेंट करती है, उसे वो पास आने के लिए कहती है। वो एक दोनों को हक करते हैं और ये फिर से उसे पंच करती है, उसे कहती है कि तुम्हें डॉज करना था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक रोमांटिक मोमेंट वो स्पेंड कर रहे थे। फिर यून हमसे कहता है कि क्या ये हमेशा के लिए ऐसा हो सकता है, क्या हमारी रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते हैं और कर ही रहे होते हैं तभी इस लड़की के जो फादर होते हैं उसे कॉल कर लेते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो इसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एक बड़े से हिल पर वो आए हुए होते हैं और वहां आकर वो लड़की उसे कहती है कि तुम एक दूसरे एंड तक जाओ, वहां जाकर देखो कि क्या मेरी आवाज तुम्हें आ सकती है। यून उसे कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, और फिर वो यून को जाने के लिए बोल ही रही होती है। यून फिर जब वहां जाता है तो वो उसे आवाज देती है, वो वहां रोने लग जाती है। जो चीजें उसे बता नहीं सकती वो अब वो दूर होती है तो उसे बोलने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैं स्ट्रांग हूँ, हमारी रिलेशनशिप को मैं होल्ड कर सकती हूँ, पर मैं एक साधारण लड़की हूँ, अब मैं ज्यादा नहीं कर सकती, उनकी रिलेशनशिप अब टूटने वाली होती है। फिर वो उसे एक हिल पर लेकर आती है, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे वो बैठते हैं। उसने उसे एक लेटर लिखने के लिए बोला होता है, इन दोनों ने अपने लेटर्स एक साथ लाए हुए होते हैं। फिर उसे कहती है कि हमने दो लेटर जो लिखे हैं वो हम एक पॉट में रखेंगे और यहाँ गाड़ देंगे, जब 2 साल हो गए तो 2 साल बाद हम फिर से यहाँ आएंगे और एक दूसरे के लेटर पढ़ेंगे। यून ये करने के लिए मान जाता है। वो उसे कहती है अगर 2 साल के बाद हम फिर से नहीं मिले तो हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। अब यून जो होता है वो टाउन से बाहर जा रहा होता है,
वो ट्रेन में बैठता है, ये लड़की उसे छोड़ने के लिए आई हुई होती है। यून ट्रेन में बैठता है और ये लड़की अपना माइंड चेंज कर लेती है, उसके पीछे वो भागने लग जाती है। यून को ये पता नहीं होता, यून ने भी अपना माइंड चेंज कर लिया होता है। उसे लगता है कि ये लड़की अभी प्लेटफॉर्म में है तो वो कूद जाता है, पर ये लड़की अब ट्रेन में घुस जाती है। इसी तरह से उनकी रिलेशनशिप जो होती है वो अब टूट जाती है। यून हमें कहता है कि अब मैं उससे साथ नहीं हूँ, पर मेरा जो टाइम है वो मैं अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहा हूँ, सब चीज़ें वो प्रोडक्टिव कर रहा होता है। वो कहता है कि हमारी जो स्टोरीज थी, हमारे जो किस्से थे, अब मैं वही इंटरनेट पर लिख रहा हूँ। ये वो बोल रहा है क्योंकि ये एक्चुअल रियल लाइफ स्टोरी है और ये जो लेखक था इसने ऑलरेडी इंटरनेट पर ये सब लिखे थे और इससे ये मूवी बनी है। वो स्क्वाश खेलना सीखता है, स्विमिंग करना सीखता है, कराटे खेलना भी सीख लेता है। जो भी वो उस लड़की के साथ करता था वो सब कर रहा है। अब उसने उस लड़की पर एक पूरी बुक लिखी है और वो पब्लिश करने के लिए पब्लिशर के पास जाता है। ये भी एक्सेप्ट हो जाती है, बुक बहुत ही अच्छे सेल करती है तो इस पर मूवी भी बनने वाली होती है। 2 साल बीत जाने के बाद वो फिर से उस जगह पर आ जाता है। उस जगह पर वो पहुंचता है तो उस लड़की का वो लेटर पढ़ता है। उस लेटर में लिखा होता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसे मैं ढूंढ रही थी। उस दिन उसे मरे हुए 1 साल हो चुका था। उस दिन मैं बहुत ही लोनली थी और उसे मुझे महसूस करना चाहिए था, इसलिए मैं तुमसे बात वगैरह कर रही थी। उसमें और तुम्हें बहुत ही सिमिलरिटीज है और इससे मैं तुम्हें इम्प्रेस हो चुकी थी। मैं भी उससे तुम्हारे जैसे एक ट्रेन में मिली थी, वो भी मेरे लिए फूल लेकर आता था। वो उस लेटर में लिखती है कि उसकी जो मदर थी उससे भी मिलती थी। वो उसे कहती है कि मैं जो तुम्हारे साथ थी तो मैं उसे भूलने लग गई थी, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना था। ये मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था जब वो मुझे आसमान से देखेगा और मैं खुश हूँ ऐसा उसे लगेगा तो वो जेलस हो जाएगा। अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे होगे, अगर मैं यहाँ नहीं आई तो समझ लेना कि अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ। मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ और अभी मुझे लग नहीं रहा कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं पास्ट में ही जी रही हूँ, मुझे पता है गलत है पर मैं इसे मूव ऑन नहीं कर पा रही। फिर हमें दिखता है कि बहुत सारे मौसम गुजर जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे इन्होंने उनकी चिट्ठियां गाड़ी हुई होती है वहां एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है। ये लड़की फिर उस चिट्ठियों को पढ़ने के लिए आती है, पर ये जब आती है टाइम बहुत ज्यादा गुजर गया होता है, 3 साल हो चुके होते हैं। उसने ये विंडो मिस कर दी होती है। वो उस आदमी को कहती है कि मैं यहाँ आने वाली थी पर मैंने मेरा जो लवर था उसे मिस कर दिया है। बहुत ही घटिया मेरी सोच थी, मुझे लगा था कि हम एक्चुअल में एक दूसरे को प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से टकराए जाएंगे। अगर लव हमारा सच्चा है तो हम किसी ना किसी कोइंसिडेंस से फिर से मिले जाएंगे, पर ये बहुत ही घटिया सोच थी। अब उसे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि वो पिछले साल नहीं आई थी। तो ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैंने एक लड़की को यहाँ देखा था, या तुम्हें लग नहीं रहा कि ये पेड़ जरा अलग है? वो लड़की भी कहती है कि हाँ मुझे ये अलग लग रहा है। फिर ओल्ड मैन कहता है कि ये जो पेड़ था ये 2 साल पहले टूट गया था, तो लड़का वहां आया और उसने मुझे कहा था कि एक लड़की को ये पसंद है और अगर ये उस लड़की को नहीं मिला तो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाएगी, इसलिए उसने ये पेड़ फिर से लगाया। ये पेड़ फिर से ग्रो हो चुका होता है, यून ने उसके लिए ये बनवाया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखता है कि ये लड़की स्टेशन पर होती है, ये एक साइड पर खड़ी हुई होती है और यून वहां से पीछे भागते हुए आता है, पर ट्रेन की जो स्लाइड्स होती है वो बंद हो जाती है। ट्रेन के डोर बंद हो चुके होते हैं तो यून की आवाज उस लड़की तक नहीं पहुंच पाती। फ्रेड ने उन्हें मुलवाया था पर वो एक दूसरे से मिल नहीं पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लड़की होती है इसका जो पहला बॉयफ्रेंड था उसकी मदर से मिलने आई हुई होती है। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम इतनी अच्छी लग रही हो तो मेरा बेटा देखकर ही जेलस होगा। ये लड़की अब समझ चुकी है कि ऐसी जो मेंटेलिटी है ये गलत है। उस लड़की को मदर को भी ये पता होता है कि मेंटेलिटी गलत है, तो ये लड़की उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगेगा, ये मैं गलत सोच रही हूँ। उस लड़की की मदर भी इसको इनकरेज करती है कि तुम अब सही सोच रही हो। इस लड़की का एक जो बॉयफ्रेंड होता है उसकी मदर ने एक लड़की को उसे मिलवाने के लिए बुलाया आता है। ये जब लड़का आता है तो वह यूनी होता है। यून इस मदर की एक सिस्टर का ही बेटा होता है। फिर उस लड़की को कहती है कि जब तुम बहुत ही गम में थी तो मुझे लगा था कि इससे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूँ, इसमें और मेरे बेटे में सिमिलरिटीज है तो तुम मूव ऑन कर सकती हो ऐसा मुझे लगा था, पर ये मुझे हमेशा डॉच करता रहा था। यूं हमें दिखाया कि मूवी की फर्स्ट में उसकी आंट ने उसे बुलाया था, वो इसी लड़की से उसे मिलवाने वाली थी पर फेट ने टर्न्स लिए और ये सब मूवी में हमें दिखाए गए हैं। ये जो लड़की थी इंग्लैंड जाकर आई हुई होती है और अब यून भी वहां जाने वाला होता है, तो यून की आंट उसे कहती है कि तुम दोनों अच्छे से बात कर सकते हो। वो लड़की को कहती है तुम इसे टिप्स दे सकते हो इंग्लैंड जाने के लिए, पर यून अब कहता है कि अब मैं इंग्लैंड नहीं जाने वाला। फिर यून हमें कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि ये पॉसिबल है, पर हम फिर से मिले। फिर
फिर से हमें ये दोनों हाई स्कूल का यूनिफॉर्म देखकर क्लब में जाते हुए दिखते हैं। फिर से उनकी जो फन लाइफ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यही मूवी एक हैप्पी नोट पर एंड हो जाती है।